हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे आपका जो एनडी ऑन 2060 का केमिस्ट्री क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप नया है तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, द फॉस्फरस यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सेफ्टी मैचेस इज, द फॉस्फरस यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सेफ्टी मैचेस इज। ऑप्शन ए में दिया गया है रेड फॉस्फरस, ऑप्शन बी में दिया गया है ब्लैक फॉस्फरस, ऑप्शन सी में व्हाइट फॉस्फरस एंड ऑप्शन डी में इसका लेड फॉस्फरस। क्वेश्चन में पूछा गया है द फॉस्फरस यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सेफ्टी मैचेस। यहाँ पे सेफ्टी मैचेस में जो फॉस्फरस यूज़ किया जाता है वो किस प्रकार का है, तो इसका आंसर हो जाएगा रेड फॉस्फरस यानी कि ए। इसका आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है आपको, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकल चेंज। यहाँ पे पूछा गया है नॉट ए केमिकल चेंज, इनमें से कौन सा एक केमिकल चेंज का एग्जाम्पल नहीं है। ऑप्शन है रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ऑप्शन बी में दिया गया है कार्डलिंग ऑफ मिल्क, ऑप्शन सी में दिया गया है फ्रीजिंग ऑफ वाटर एंड ऑप्शन डी में दिया गया है डाइजेशन ऑफ फूड। यहाँ पे पूछा गया है नॉट ए केमिकल चेंज, तो इसका आंसर क्या होगा, रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स होगा। नहीं, ये तो केमिकल चेंज है। कार्डिंग ऑफ मिल्क ये भी केमिकल चेंज है। डाइजेशन फूड ये भी है, लेकिन फ्रीजिंग ऑफ वाटर ये केमिकल चेंज नहीं है, नॉट ए केमिकल चेंज। इसका आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन में पूछा गया है वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। यहाँ पे एयर पोल्यूशन का कॉज पूछा गया है इन सिटीज, इमिशन फ्रॉम व्हीकल्स, व्हीकल से जो इमिशन होता है लाइक कार्स एंड ट्रक्स। कार इमिट वेरियस पोल्यूटन व्हिच आर बैड फॉर ह्यूमन हेल्थ व्हेन इनहेल्ड, लाइक, इनमें से कौन सा एयर पोल्यूशन करता है जो कि व्हीकल एंड कार से निकलता है। ऑप्शन ए में वन में दिया गया नाइट्रोजन ऑक्साइड, टू में दिया गया है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO, एंड थ्री दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड एंड फोर दिया गया है बेंजीन। आपको चूज करना होगा। यहाँ पे देखिए वन एंड फोर ओनली, वन एंड टू ओनली, वन टू थ्री ओनली एंड डी में दिया गया है वन टू एंड फोर ओनली। तो यहाँ पे जो कार और व्हीकल एमिशन करते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड एमिशन करते हैं, जी नाइट्रोजन ऑक्साइड एमिशन करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशन ये भी करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड भी एमिशन करते हैं। क्या कार कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन करता है? जी बिल्कुल नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड कार भाई कार्बन डाइऑक्साइड कार इमिशन नहीं करता है, कार्बन डाइऑक्साइड तुम इमिशन करता हो, ठीक है। एंड ऑप्शन फोर में दिया गया है बेंजीन, तो इनमें से थ्री बाद हो गया यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बाद, तो इनमें से तीन बाद हो गया, तो ये बाद होगा वन एंड फोर ऑनली होगा, वन एंड टू ऑनली एंड डी वन टू एंड फोर ऑनली। इनमें से चूज करना, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड वो भी निकलता है एंड बेंजीन ये भी निकलता है, तो इसका आंसर सीधा सीधा हो जाएगा डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन में पूछा गया है सॉप इज सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ। ये क्वेश्चन पिछले कई सालों भी पूछा गया है, सॉप इज सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ, इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि स्टियरिक एसिड, ओलिक एसिड, पामिटिक एसिड। सो सोप इज सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ, इसका आंसर होगा डी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। ये एनडीए ऑन 2016 में पूछा गया है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन है वन एन एटम ऑफ कार्बन हैज सिक्स प्रोटोन एंड इट्स मास नंबर इज 12, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स। यहाँ पे पूछा गया है न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एटम ऑफ कार्बन। यहाँ पे कार्बन का जो न्यूट्रॉन्स नंबर है वो कितना है। ऑप्शन ए में दिया गया है 12, 6, 10 एंड 14, इनमें से कौन सा जो है जो न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ कार्बन है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका आंसर बी होगा। तो बी कैसे होगा आप यहाँ पे देख सकते हैं। मान लो कि यहाँ पे 7 Li3 है, यहाँ पे ऊपर में आप देख सकते 7 है, तो इसका 7 लिथियम का क्या है, ये है मास नंबर है। मास नंबर इक्वल टू प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन, मास नंबर इक्वल प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। और यहाँ पे दिया गया है लिथियम, लिथियम
यहाँ पे जो नीचे में आप देख सकते हैं थ्री, इसको हम एटॉमिक नंबर बोलेंगे। एटॉमिक नंबर्स बोले तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन, इसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, न्यूट्रॉन्स कितने न्यूट्रॉन्स है, क्वेश्चन में पूछा गया न्यूट्रॉन्स कितने हैं। तो न्यूट्रॉन्स इक्वल्स टू है 7-3, यहाँ पे किया है आप देख सकते हैं लिथियम, फॉर लिथियम। तो यहाँ पे कितना होगा 12, यानी कि मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। यहाँ पे मास नंबर कितना है 12, तो 12 से यहाँ पे एटॉमिक नंबर बाद हो, एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन्स ये सेम ही है, तो एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन्स नंबर 6। तो यहाँ पे मास नंबर माइनस प्रोटॉन नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा 12-6=6। तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग इज ए रिडक्शन रिएक्शन, इनमें से कौन सा एक रिडक्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। यहाँ पे देख सकते 2MgO2 2MgO एंड यहाँ पे S+O2SO2 2HO एंड 2HG+O2 Mg+HMgS। तो मैंने पिछले क्लास में भी कौन सा रिएक्शन रिडक्शन ऑक्सीडेशन होता है मैंने वो आपको बोल दिया पिछले क्लास में, अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो आप उस क्लास को देख सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 2HO2HI+O2, इसका आंसर सी होगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है कैसे सी होगा, 2HO+HIT+2HIO2 इज रिडक्शन रिएक्शन। आप यहाँ पे 2HGO का जो ऑक्सीडेशन नंबर है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं HG, तो यहाँ पे पूछा गया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, यहाँ पे HG का जो है +2, यहाँ पे ऑक्सीडेशन इसका नंबर है 0 और यहाँ पे है +2, तो इसका जीरो से +2 आया है, तो वन, तो यहाँ पे HG is +2 ऑन राइट राइट हैंड ऑक्सीडेशन, यानी कि इस तरफ नंबर भी कर, सो रिडक्शन रिएक्शन यहाँ पे होता है इसमें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हिच ऑफ द कॉमनली यूज्ड हाउस होल्ड आइटम रिलीज बिस्फेनॉल और BPA व्हिच इज एन एंडोर्निक डिसरप्टर एंड बैड फॉर ह्यूमन हेल्थ। क्वेश्चन में पूछा गया व्हिच ऑफ द कॉमनली यूज्ड एन हाउस होल्ड आइटम रिलीज बिस्फेनॉल ए और BPA व्हिच इज एन इंडोक्रीन डिसरप्टर एंड बैड फॉर ह्यूमन हेल्थ। ऑप्शन ए में देखिए स्टील यूटेंसिल्स, ऑप्शन टू में देखिए प्लास्टिक ऑफिस मास्क, एल्युमिनियम यूटेंसिल्स एंड प्लास्टिक वाटर स्टोरेज बॉटल्स। यहाँ पे करेक्ट जो कोड दिया गया वो आपको चूज करना है। ऑप्शन ए में देखिए वन ओनली, ऑप्शन बी में वन एंड टू ओनली एंड ऑप्शन सी में टू एंड फोर ओनली एंड ऑप्शन डी में देखिए वन टू थ्री ओनली। आप यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और उसका जवाब दिए कमेंट बॉक्स में। तो तब तक इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर सी होगा, यानी कि 2 और 4 ओनली होगा। क्वेश्चन में पूछा गया व्हिच ऑफ द कॉमनली यूज इन हाउस होल्ड रिलीज बाय बिस्फेनॉल जो कि ह्यूमन हेल्थ हेल्थ का क्षतिकारक है। इसका 2 और 4 ओनली, यानी कि प्लास्टिक कॉफी मग एंड प्लास्टिक वाटर स्टोरेज बोटल, 2 और 4 इज द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन इज नोन एज एनहाइड्रेट ऑफ नाइट्रिक एसिड। यहाँ पे पूछा गया है ऑक्सीडाइज ऑफ नाइट्रोजन इज नोन एज एनहाइड्रेट ऑफ नाइट्रिक एसिड। ऑप्शन ए में देखिए N2, ऑप्शन बी में N2O3, ऑप्शन सी में NO2 और ऑप्शन डी में N2O5। तो इसका आंसर हो जाएगा N2O5। तो इसका आंसर देख सकते हैं आप डी, यानी कि N2O5 इज एनहाइड्रेट ऑफ नाइट्रिक एसिड। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछ चुके हैं, मैंने पिछले क्लास में भी डिस्कशन किया है, तो आप वो भी देख सकते हैं। क्वेश्चन में दिए पूछा गया है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। यहाँ पे केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा पूछा गया है। ऑप्शन ए में देखिए सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन बी में सोडियम कार्बोनेट एंड ऑप्शन सी में पोटेशियम बाई कार्बोनेट, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड ऑप्शन डी में पोटेशियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे पूछा गया है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेम ऑफ बेकिंग सोडा, तो इसका आंसर होगा ए, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज द राइट आंसर। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन में पूछे गए व्हेन ए सॉलिड इज हीटेड, अब देख सकते हैं व्हेन ए सॉलिड इज हीटेड इट टर्न्स डायरेक्टली इनटू गैस, आप एक सॉलिड को हीट करते हैं तो वो डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म इनटू ए गैस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज, ऑप्शन ए में दे कॉन्डेंसेशन, ऑप्शन बी में इवेपोरेशन, ऑप्शन सी सब्लिमेशन, ऑप्शन डी डिफ्यूजन। तो यहाँ पे सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि सब्लिमेशन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा गया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर गैस, इनमें से कौन सा वाटर गैस है, ऑप्शन ए में देखिए मिक्सर ऑफ कार्बन मोनॉक्साइड एंड हाइड्रोजन, ऑप्शन बी में देखिए मिक्सर ऑफ कार्बन मोनॉक्साइड एंड नाइट्रोजन, यहाँ पे कार्बन मोनॉक्साइड आप देख सकते हैं चारों ऑप्शन में भी कॉमन है, तो इनमें से वाटर गैस पूछा है, ऑप्शन ए में देखिए मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनॉक्साइड एंड हाइड्रोजन, यहाँ पे बी में देखे कार्बन मोनॉक्साइड एंड नाइट्रोजन, ऑप्शन सी में देखे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, एंड ऑप्शन डी में देखे कार्बन मोनॉक्साइड एंड वाटर वेपर। क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग जो वाटर गैस, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए यानी कि मिक्सर ऑफ कार्बन मोनॉक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज द राइट आंसर, ये एनडीए 2016 में पूछा गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा गया है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर, इनमें से कौन सा ऑक्साइड है जो कि पानी में डिजॉल्व हो जाता है, तो ऑप्शन ए में देख सी ओ, ऑप्शन बी में देखे Al2O3 एल होगा, एंड ऑप्शन सी में देखे Fe2O3 एंड ऑप्शन डी में देखे Na2O। क्वेश्चन में पूछे गए व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर, तो इसका आंसर होगा डी यानी कि Na2O जो कि पानी में डिजॉल्व हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, ए ग्लास वेसल इज फिल्ड विद वाटर, आप अच्छे से क्वेश्चन के पढ़िए उसके बाद जवाब दे, ए ग्लास वेसल इज फिल्ड विद वाटर टू द रिम एंड ए लिड फिक्स टू टाइटली, देन इट इज लेफ्ट इन साइड फ्रीजर फॉर आवर्स, व्हाट इज एक्सपेक्ट टू हैपन, ए ग्लास वेसल इज फिल्ड विद वाटर, एक ग्लास वेसल है जो कि आप वाटर से फिल किया है टू द रिम एंड लिड फिक्स टाइटली एंड इसको टाइट से बाइंड कर दिया, देन इट इज लेफ्ट इन साइड फ्रिज, देन आप इसको फ्रिज में डाल दिया है, तो व्हाट इज एक्सपेक्ट ऑफ हैपन, तो क्या होगा, द वाटर फ्रीज टू आइस एंड द लेवल आइस कम्स डाउन, ऑप्शन बी में द वाटर इन द ग्लास वेसल सिंपली फ्रीज टू आइस, ऑप्शन सी में द ग्लास वेसल ब्रेक्स ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ वाटर फ्रीज टू आइस, द वाटर डज नॉट फ्रीज एट ऑल, इनमें से कौन सा ऑप्शन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि द ग्लास वेसल ब्रेक्स ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ एज वाटर फ्रीज टू आइस। अगला क्वेश्चन है सपोज यू हैव ए फोर टेस्ट ट्यूब, आपके पास चार फोर टेस्ट ट्यूब है जो कि उसके ऊपर लेवल किया है ए बी एंड सी लेवल किया है, तो आपके पास कितना टेस्ट ट्यूब है, चार टेस्ट ट्यूब है वो ए बी सी एंड डी के साथ लेवल किया है, एंड ए में क्या कंटेन करते हैं, ए में कंटेन प्लेन वाटर, आपको चार टेस्ट ट्यूब दिया गया है उनमें से ए बी सी डी आपको लेवल कर लेना है, एंड ए में दिया गया है वाटर यानी कि सिंपल वाटर दिया गया है, एंड बी में दिया गया है सॉल्यूशन ऑफ एन अल्कली, आपको बी में अल्कली सॉल्यूशन दिया गया है जो कि ग्रुप वन को देख सकते हैं अल्कली मेटल, अल्कली नॉर्थ मेटल जो होता है वो आपको दिया गया है ग्रुप बी में अल्कली मेटल, एंड सी कॉन्टेंट सॉल्यूशन एंड एसिड, एंड सी जो आपको टेस्ट ट्यूब है उसको उसमें दिया गया है एसिड, एंड डी में दिया गया है आपको सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है व्हिच वन ऑफ द सॉल्यूशन विल टर्न फेनोफ्थलिन सॉल्यूशन पिंक, यहाँ पे फेनोफ्थलिन सॉल्यूशन को पिंक कौन सा टेस्ट ट्यूब नंबर करेगा, ऑप्शन ए में देगा सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन बी, सॉल्यूशन सी एंड सॉल्यूशन डी। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर बी यानी कि जो आपका टेस्ट ट्यूब नंबर बी है वो दी सॉल्यूशन फेनोफ्थलिन सॉल्यूशन पिंक, व्हिच वन ऑफ द सॉल्यूशन विल टर्न फेनोफ्थलिन सॉल्यूशन पिंक, तो इसका आंसर बी होगा, बी कैसे होगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फेनोफ्थलिन टर्न्स पिंक इन बेसिक कंडीशन, तो बेसिक कंडीशन तो एल्कली तो बेसिक होता है, तो इसको टर्न यहाँ पे आप देख सकते हैं फेनोथ्रिन जो कि टर्न्स होता है पिंक इन बेसिक कंडीशन एंड बिकम्स कलरलेस इन एसिडिक, आप जो वो एसिडिक होता तो कलरलेस हो जाता,
यार सो यहाँ पे आप कॉन्क्लूजन क्या टान सकते हो, यहाँ पे बी कॉन्टेंट्स एल्कली, दैट इज सो द सॉल्यूशन बिकम्स पिंक इन कलर, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बी टेस्ट ट्यूब आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मैटर अराउंड अस कैन एग्जिट इन थ्री डिफरेंट स्टेट, आपको पता होगा जो कि सॉलिड लिक्विड एंड गैस में फिजिक्स में पाया जाता है, तो डायरेक्ट करेक्ट ऑर्डर देयर कॉम्प्रेसिबिलिटी इज, इन इसको करेक्ट ऑर्डर में सजाना होगा। तो ऑप्शन ए में देंगे लिक्विड लेस देन गैस लेस देन सॉलिड, बी में देंगे सॉलिड लेस देन लिक्विड लेस देन गैस, एंड सी में देंगे गैस लेस देन लिक्विड लेस देन सॉलिड, एंड ऑप्शन डी में देंगे सॉलिड लेस देन गैस एंड लेस देन लिक्विड। तो इसका आंसर क्या होगा, बी, यानी कि जो कि कॉम्प्रेसिबिलिटी, जो करेक्ट ऑर्डर ऑफ कॉम्प्रेसिबिलिटी होगा सॉलिड लेस देन लिक्विड लेस देन गैस। तो यहाँ पे मैंने स्लाइड लगा दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉलिड जो कि रिजिड होता है ये फिक्स्ड शेप में होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है सॉलिड का, लेकिन लिक्विड का कोई फिक्स शेप होता है नहीं, लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं होता, फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं, लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम तो फिक्स्ड होगा, लेकिन जो गैस है वो रिजिड है नहीं, फिक्स शेप है गैस का नहीं, नो फिक्स्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है गैस का, वो जो जो पात्र में रहेगा उसका अंदर छोटा छोटी करते रहेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए व्हिच ऑफ द थ्री मेन सिस्टम मैटर कैन बिकम कॉम्प्रेस, तो इस क्वेश्चन में ये याद आएगा, द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर व्हिच कैन बी इजीली कॉम्प्रेस, द गैसियस स्टेट, द दे आर वेरी इजी टू कॉम्प्रेस कंपेयर द सॉलिड एंड लिक्विड, बिकॉज गैस हैज मोर इंटर मॉलिकुलर स्पेस एंड वेरी लेस फोर्स, इसका इसका जो इंटर मॉलिकुलर स्पेस है वेरी लेस फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिकुल्स, इसका जो मॉलिकुल्स है उसका अट्रैक्शन जो है बहुत कम होता है। ठीक है, क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, द टेम्परेचर एट व्हिच इज सॉलिड मेल्स टू बिकम ए लिक्विड, क्वेश्चन में पूछा गया है द टेम्परेचर एट व्हिच इज सॉलिड मेल्स टू बिकम लिक्विड एट द एटमोस्फेरिक प्रेशर, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ प्रेशर, इंडिकेशन ऑफ, क्वेश्चन में पूछा गया है स्ट्रेंथ ऑफ द मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ऑप्शन बी में देगा स्ट्रेंथ ऑफ द इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ रिपल्सन, एंड ऑप्शन सी में देगा मॉलिकुलर मास, एंड ऑप्शन डी में देगा मॉलिकुलर साइज, इनमें से आपको चूज करना होगा, क्या होगा इसका आंसर आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, पहले इसका आंसर तो कर लेते हैं ना, ठीक है, देखते हैं इसका आंसर ए होगा, ए, द टेम्परेचर एट व्हिच द सॉलिड मेल्ट्स बिकम ए लिक्विड एट द एटमोस्फेरिक प्रेशर दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ, तो इसका होगा स्ट्रेंथ, सॉरी ये होगा स्ट्रेंथ ऑफ द इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, मेटल्स जनरली रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, जो मेटल होता है वो रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करता है टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इनमें से कौन सा जो मेटल्स है जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट नहीं कर सकता, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन में देखें मैग्नीशियम एल्युमिनियम आयरन एंड कॉपर, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि कॉपर। तो यहाँ पे देख सकते हैं द एक्टिविटी सीरीज मेटल्स इन एक्वा सॉल्यूशन, यहाँ पे दिया गया एक्वा सॉल्यूशन में दिया गया, इज ऑफ ऑक्सीडेशन, यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्सीडेशन इंक्रीज करता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूछा गया है वो डायल्यूटेड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस के नीचे कौन कौन गैस है, कॉपर है, सिल्वर है, मरकरी, प्लैटिनम, गोल्ड, लेकिन यहाँ पे तो कॉपर हाइड्रोजन का सबसे नीचे है यार, हाइड्रोजन का ऊपर में आप जब जाओगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, देख सकते हैं मैग्नीशियम बहुत ऊपर में है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम जो कि यहाँ पे पूछा गया है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड यहाँ पे आयरन, और जो कि हाइड्रोजन के नीचे है वो सिर्फ है कॉपर, तो इसका आंसर है जगह डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा गया है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बन कंपाउंड विल नॉट गिव ए सूटी फिल्म, सूटी फिल्म
क्वेश्चन में पूछे व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बन कंपाउंड इज नॉट अ गिव सूटेबल ऑप्शन ए में देखे बेंजीन, बी में हेक्सेन, नेफ्थलीन एंड एंथ्रेसिन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि हेक्सेन, जो कि सूटी फ्लेम नहीं देता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पे मैंने स्लाइड ला के थी, आप देख सकते हैं एरोमेटिक कंपाउंड बांड्स विद द सूटी फ्लेम, जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होता है वो सूटी फ्लेम में बांड्स होता है। हेयर एक्सपेट हेयर जो कि हेक्सेन है वो नहीं बांध होता है। ऑल अदर कंपाउंड्स आर द एरोमेटिक कंपाउंड, हेक्सेन इज एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन दस इट बांड्स विद नॉन सॉल्टी फ्लेम। तो यहाँ पे देख सकते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स किसको आप बोलेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं एरोमेटिक कंपाउंड जो कि कॉन्जुगेटेड प्लानर रिंग सिस्टम में होता है, अकॉम्पाइंड बाय द डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स इन इंडिविजुअल ऑल्टरनेटिंग डबल एंड सिंगल बॉन्ड में रहता है, उसको आप एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे। तो यहाँ पे आप एरोमेटिक कंपाउंड देख सकते हैं बेंजीन, टोलुएन, नेफ्थलीन, बाइफिनाइल, यहाँ पे देख सकते हैं क्या पूछा, यहाँ पे देख सकते हैं जो कि डबल एंड सिंगल बॉन्ड में ऑल्टरनेटिंग में होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ऑल्टरनेटिंग में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये भी बॉन्ड ऑल्टरनेटिंग में है। आप यहाँ पे देख सकते हैं फेनांथ्रीन में ए डबल बॉन्ड, ए सिंगल बॉन्ड, ए डबल बॉन्ड, ए सिंगल बॉन्ड। आप ऊपर जाएगा तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, सब ऑल्टरनेटिंग में है। तो ये कंपाउंड क्या होगा, इस कंपाउंड होगा एरोमेटिक कंपाउंड। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछे गए व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिगार्ड टू द एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल्स ड्यू टू द हीटिंग इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे पूछा गया है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल्स ड्यू टू हीटिंग इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन ए में दे एनाइस मेटल एक्सपेंड्स यूनिफॉर्मली अप टू 4 डिग्री, एनाइस मेट्स एक्सपेंड यूनिफॉर्मली अप टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड, मेल्ट होता है क्या। ऑप्शन बी में देगा मार्काटी थर्मोमीटर वर्क्स यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेंशन ड्यू टू हीटिंग। ऑप्शन सी में स्मॉल गैप इज केप्ट बिटवीन टू रेल्स टू अलाउ एक्सपेंशन ड्यू टू हीटिंग। ऑप्शन डी में द लेंथ मेटालिक वायर इंक्रीज ड्यू टू द टेम्परेचर इंक्रीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि एज आइस मेल्ट्स इट एक्सपेंड यूनिफॉर्मली अप टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन इक्वल टू सैचुरेटेड ऑन मोल बेंजीन। तो इसका आंसर हो जाएगा सीधा सीधा सी यानी कि 3 आंसर। व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू सैचुरेटेड ऑन मोल बेंजीन इज 3। तो इसी के साथ यह है वीडियो का अंत। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।